हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटीज में। आज हम बात करेंगे पांच ऐसे स्टॉक के बारे में जो आने वाले वीक में जिसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से इसके लेवल्स आपसे शेयर कर देते हैं। उसमें से पहला है श्री सीमेंट इंडिया। इसमें देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट बन रहा है 21,017 का। तो आने वाले वीक में अगर ये 21,017 का लेवल में आए तो यहाँ पे आप बाइंग की सोच सकते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन करेगा तो इसमें जरूर 400 to 500 पॉइंट्स की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसमें जो सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है 202.7 and 201.5। तो अगर आने वाले वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में किसी भी दिन अगर ये सपोर्ट आए और होल्ड करे तो इसमें भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तीसरा स्टॉक जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसमें भी देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, इसमें सपोर्ट बन रहा है 666 and 659.8। तो अगर ये लेवल अगर होल्ड करे तो इसमें भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। चौथा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये इसके लेवल काफी दूर हैं अभी, बट मैं आपसे पहले ही शेयर कर दिए रहता हूँ क्योंकि हो सकता है मार्केट में अगर गिरावट आए तो लेवल जल्दी आ जाते हैं, इसलिए आप पहले ही नोट करके रख लीजिएगा। तो इसमें सपोर्ट जो बन रहा है वो है 3946 का। तो अगर ये जब भी 3946 के करीब आए तो इसमें आप बाइंग की सोच सकते हैं। पांचवा स्टॉक जो है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में बन रहा है सपोर्ट 338 and 335.6। तो ये लेवल जब भी आए नेक्स्ट वीक में तो ये पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा। जो भी मैं लेवल दे रहा हूँ सारे पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा। तो इसमें भी देखिए, टोरेंट पावर 338 and 335.6, अगर ये लेवल जब भी आए तो आप बाइंग की सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है हमारे हिसाब से, जो बिल्कुल यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए इसमें। तो देखिएगा, अगले ये सारे लेवल आप नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट वीक अगर जो भी जिस भी दिन लेवल में आए आप बाइंग की सोच सकते हैं। और बाकी और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़े रहें, ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, बाय।